अपन क्लास फोर, क्लास फोर सब्जेक्ट हमारा मैथ है, लेक्चर हमारा हमारा थ्री है। इससे पहले जो हमने अपना सेकंड लेक्चर लिया था उसमें हमने रेफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे, जो हमारी बुक की एक्सरसाइज ए थी, एक्सरसाइज ए थी पेज नंबर 52। आज हमारी एक्सरसाइज सी है, एक्सरसाइज सी है पेज नंबर 52 है, जिसमें आपको ये बॉक्सेस दिए हैं, फिल द बॉक्सेस विद करेक्ट डिजिट्स। यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन को कॉपी कर रखा है, छह क्वेश्चन है जिसमें से मैंने चार किए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने चार क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। सिंपल से अगर डिफरेंस होता तो हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ बीच बीच में बॉक्सेस दिए। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बोरो वाले नहीं है, सिंपल डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब हम डिफरेंस अपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं, एडिशन के करते हैं या मल्टीप्लिकेशन के, तो हमारे सीधे हाथ राइट हैंड से शुरू करते हैं, इधर से जहाँ पे हम 1 लिखते हैं ना वहाँ से। अब देखिए ये 4 है और यहाँ एक बॉक्स, यहाँ कौन सा नंबर है, इन्होंने नहीं दिया, गायब है, और ये 2 है, तो हमने यहाँ पे वो नंबर लिखना है। इसको मैच करके जो नंबर यहाँ पर आ रहा है हमने यहाँ नंबर लिखना है। अब जैसे 4 है, 4 में से अगर 4 है, 4 में से अगर 2 चलेगी कितने बाकी बचेंगे, तो अगर मैं इस 4 में से ये 2 निकाल के जो नंबर आएगा मैं लिख दूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2। अब देखिए 4 माइनस 2 2, यहाँ बॉक्स नहीं है तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 माइनस 4 1। अब फिर यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, हमें यहाँ पे क्या नंबर लिखना है कि जब हम 6 में से माइनस करें तो 1 बचे, तो जब अगर हम 6 में से 1 माइनस करें क्या बचता है, 6 में से 1 माइनस करें तो क्या बचता है, 5, तो 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 5 2। अब यहाँ पे 8 ही यहाँ 3 है, तो हमने कौन सा नंबर लिखना है, 8 है, 8 माइनस 3, तो क्या नंबर आएगा, 8 माइनस 3 तो 5, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस 2 हुआ है, 4 माइनस 1, 4 में से अगर हम 1 निकाल दें तो क्या बचता है, 3, 4 माइनस 3, सो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 5 में से अगर हम 3 निकाल दें तो क्या बाकी बचता है, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4। अभी तो आपके आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोरो नहीं है, 2 में से 2 गए तो 0, 3 माइनस 2 1 1 आए, 5 माइनस 2, अगर हम इस 5 में से ये वाला आंसर अपना माइनस करते तो हमारे यहाँ का डिजिट जो है आ जाएगा 5 माइनस 2 सो 3। अब देखिए हमने ये डिजिट तो कर लिया, अब 4 माइनस 4 सो 0। अब यहाँ हमें नहीं पता, तो हमने अगर इस आंसर में से इसको माइनस करें तो हमारा डिजिट आ जाएगा 8 माइनस 3 5। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, 8 माइनस 6 सो 2, यानी कि 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 2 4। अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, तो अगर मैं 5 में से 0 निकालूं तो क्या आएगा, 5, कैसे, देखिए ये 5 है, अगर मैं 5 में से अगर मैं 0 निकालूं तो क्या बाकी बचेगा, 0, क्योंकि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, अगर मेरे पास 5 रुपीज थे तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो 5 तो 5 रहेगा ना, तो 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 सो 2। ये हमारे 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, देख लीजिए दोबारा, इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4, इसमें से हमने 4 कर लिया, आपके 2 बाकी हैं, ये आपने अभी करने, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है, पेज नंबर 6 ओपन कीजिए, पेज नंबर 6, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, तो उम्मीद है आप लोग भी कर चुके होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि इसके बाद क्या नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पर 9998, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का एक बता रही, 9998, इसके बाद क्या आएगा, तो हमारी ये सीरीज तो सेम रहेगी, 9998 तो सेम रहेगा, 8 के बाद जो हमारा नंबर आएगा बॉक्स से वो क्या हो जाएगा, 9999, यानी कि इन नंबर के बाद क्या आएगा, तो आपने ये करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इससे पहले क्या आएगा, 2456 है, तो इससे पहले क्या आएगा, 2455, एक नंबर 6 से हम कम कर देंगे। फिर है यहाँ पर पुट द प्रॉपर
ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, यानी कि जो नंबर इससे बड़ा है आपको पता है ग्रेटर देन लेस देन का साइन। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपने नहीं करना है। जब आप आएंगे तो हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।